आपकी मिट्टी का हो, आपके सरजमी का हो, और हमारी एकता, हमारी जोश, हमारा ताकत, हमारी पहचान है आप सब हमारी जान हो। मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, प्यार मोहब्बत के गीत, हंसी हसारत की बातें तमाम हमारे आज के शायर कवि शायरा हमारे बीच हैं, खुद दिल से आज सुनेंगे इनको आपके साथ बैठ के। मैं चार लाइनों से अपनी बात शुरुआत करके चंद पंक्तियां रख के अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपने वतन में, अपनी मिट्टी में पढ़ रहा हूं, इस बात का नाज भी है और इस बात का ख्याल भी है। आपकी ताकत, आपकी ओज को देख के बस मैं इतना कहूंगा साहब, चांदनी समय में पढ़ रही थी, बहुत अच्छी आवाज, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ भी रही थी। बहुत तेरों ने बहुत कुछ बातें की, मैं चार लाइनों से अपनी बात इशारे से कहता हूं साहब, कि पंख तेरे उड़ने की लायक समझ रहा मत, कि पंख तेरे उड़ने के लायक समझ रहा मजबूरी है, प्यार में मिलना कहां लिखा है, किसने कहा जरूरी है, कि पंख तेरे उड़ने के लायक समझ रहा मजबूरी है, अरे क्या कहने, प्यार में मिलना कहां लिखा है, किसने कहा जरूरी है, क्या कहने रुक जी, क्या कहने, पंख तेरे उड़ने के लायक समझ रहा मजबूरी है, प्यार में मिलना कहां लिखा है, किसने कहा जरूरी है, और यहां तो बस व्यापार हो रहा तन मन के सौदागर सब, समझौते की पगडंडी पर चलना बहुत, अरे क्या कहने क्या कहने रुचि। साथियों, मेरे दुलारे, मेरे प्यारे, जिस मिट्टी में पला हूं साहब, ये वही मिट्टी है जो मैं खान आजाद की कथरी में पला हूं साहब, और दादा उन्मत की पाती में पला हूं। मैं वहीं से चंद लाइनें रखकर और इस मिट्टी की शान को बरकरार रखने की दरख्वास्त करता हूं आपसे, कि उस जमा एक बार फिर तू आसमां को चीर दे, फिर गए घनघोर बादल बाजुओं को तीर दे, छट रही है रोशनी यह सोचकर सोना नहीं, जिंदगी से हार कर तुम कभी रोना नहीं, चंद लम्हों की मिली है जिंदगी या अवतार सी, सूल बनकर तू खड़ा हो बाधाओं के पार की, तेरे तो वही का देश का भी मान कहने तेरे पर उसे बड़ा माँ बाप का, क्या कहने क्या कहने, उठ खड़ा हो जाग जाए भी क्यों सुनता नहीं, अरे उठ खड़ा हो जाग जाए भी क्यों सुनता नहीं, तेरे रग में खून है तो खून क्यों जलता नहीं, बढ़ रहे हैं देश के दुश्मन ने ललकार दो, मातृभूमि के लिए खुद को नया उतार दो, आपसी रंजिश मना तू वक्त को बर्बाद कर, भाईचारे के घरों को पुनः आबाद कर, क्या कहने क्या कहने, लुट रहा है देश का अमनो चैन तू रोक ले, तू गुरु था विश्व का यह बात। और साहब, तमाम हमारे सियासतदार हमको लड़ने का काम करते हैं, हमको अलग करने का काम करते हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों में हमें आज चलने की जरूरत है, हमारे नौजवानों को तमाम दर्द है कि दर्द कोई सुनने और कहने वाला नहीं है साहब, इसलिए मैं कहता हूं कि चीर दे सीना समय का जब कभी विपरीत हो, तोड़ दे बंधन सभी जब बेड़ियां प्रतीत हो, जिगर को फौलाद कर तन मन को अपने ध्यान दे, थोथली बातें न कर तू जुबा को अंजाम दे, खो दिया है शान अपनी चंद लम्हों के लिए, बुझ रही है रोशनी बढ़कर हवा को रोक दे, आजादी के दुश्मन को अब बढ़कर समझाना होगा, भारत माँ के बेटे हो तुमको ये बताना, क्या कहने क्या कहने। और चलते चलते हमारी तमाम बहनें, तमाम माताएं भी बैठी हैं, मैं आखिरी पंक्ति इनके समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि पहली गुरु और पहला संस्कार, पहली तहजीब माँ के आंचल से सीखने को मिलती है, और इनकी ही बड़ी जरूरत है इस राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में, इस मिट्टी के निर्माण में, कि आए मेरी माँ प्यार की प्रतिमूर्ति तू भी है कहाँ, जननी तू ही जन्म देती वीर पुरुषों को, यहाँ दे सके तो राष्ट्रवादी भी दे, कर सावधानी कोई तकदीर दे, राम सा भाई दे लक्ष्मण की तरह, भीम सा फिर से कोई जागीर दे, चाहिए गांधी भगत की देश शक्ति, नेता सुभाष चंद्र बोस फिर से लाइए,
वरना बुढ़ापे में कहां मां जाएगी, वृद्धाश्रम में भजन पर जाएगी। और साहब चार लाइनों से मैं आपको जोड़ने की कोशिश करते हुए विराम लेता हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में खुद को जो बांटोगे, ऊंच नीच के भेदभाव की राजनीति जो साधोगे, वीर देश के तुम वासी हो, पहले तुम इतिहास पढ़ो, आने वाली नस्लों पहले खुद पर तुम विश्वास करो, ऐसे सपनों को आग लगा दो जो तुमको बर्बाद करे, जीवन तेरा करे कलंकित आदर्शों को। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। दोस्तों।